और सही भी बात है कि जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहे वही सुझाएगा। बहुत आभार। निवेदन हंसराज जी मीणा साहब को, संभागीय अध्यक्ष पूर्व के पधारें और संक्षेप और प्रभावी रूप से अपनी बात रखें। हंसराज जी मीणा साहब। मंचासीन परम सम्मान्य आज के मुख्य अतिथि हमारे विधि के सेक्रेटरी साहब और मंच पर विराजमान समस्त प्रबुद्ध जन, उपस्थित बुद्धिजीवी, समस्त समाज के बुजुर्ग, युवाओं, माताओं और बहनों, मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध है, हम जब छोटे छोटे थे तो काला बादल जी हाट में या जिस प्रकार से गांव में ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, पांच गांवों के मिलके एक कमेटी बनाते थे और उस कमेटी में पंचों की नियुक्ति करते थे और उस नियुक्ति में कहते थे कि भाई पढ़ाओ, शराब को बंद करो, विवादों को यहीं सुलझाओ। इस प्रकार की एक छोटी छोटी कमेटियां बनती थी। उस समय हम देखते थे कि ये किस प्रकार की बात हुआ करती है, और जब हाट बाजार में वो अपनी कविताओं के द्वारा इस समाज को जागृत करते थे, हम कृतार्थ हैं ऐसी विभूति के, हम कृतार्थ हैं ऐसे शब्दों के, उन चयनों के, हम कृतार्थ के उस परिवार के। इसी मौके पे मैं तो आगे बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है, आपने शिक्षा में, राजनीति में या किसी भी प्रकार से इस समाज को दिशा एक देने का काम किया, और वर्तमान में उनसे जो शिक्षा लेके हमारे अभी शिक्षण संस्थाएं विकास संस्था है, उनके सम्मान्य जो पदाधिकारी हैं, उनके विचारों को, उनके किए हुए प्रयासों को जिस प्रकार से बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस मौके पे आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो उपस्थिति है वह हमेशा इस चीज़ के लिए मार्गदर्शित करती रहे कि ये जो समिति कर रही है उसमें हम आप एक साथ मिलकर सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।